जननायक जनता पार्टी व आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार सुभाष गोरछिया ने गांव खावड़ा कला में जनसभा को किया संबोधित। वे अपने चुनाव प्रचार के दौरान गांव खावड़ा कला में पहुंचे और यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह फतेहाबाद विधानसभा का चुनाव दल बल व आम आदमी के बीच है। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी ने आपके भाई आपके बीच के सदस्य को उम्मीदवार बनाकर आपके बीच भेजा है और दूसरी तरफ धन बल वाले व्यक्ति हैं। आपको यह सोचना होगा कि आप अपने भाई को मजबूत बनाएंगे या धन बल वालों को। उन्होंने कहा कि अगर आपने चाबी का बटन दबाकर 5 अक्टूबर को उन्हें भारी बहुमत से विजयी बना दिया तो वे आपके बीच रहकर आपकी सेवा में किसी भी कार्य में कोई कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि वे सेवक के रूप में कार्य करेंगे और विधानसभा चुनाव के बाद आपके क्षेत्र का जबरदस्त विकास कार्य होंगे। इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। ना तो खावड़ा ना होगा, ना पीड़ित या ना होगा, ना भटवा ना होगा। आप मेरे मिले ऐसी दोस्तपुरी में मैंने तो रोल मिले थे तो बड़ा किया था नहीं है। तो आप वो तो ऊपर काम वापस किया ना वाला तो करेगी मस्का अभी तो आप वो है कि ये भी हमारा लिपाना चाहिए है ज़्यादा में ज़्यादा तब भी और निशान पर बटन दबा के मुझे से छोटे से कार्य करता हूँ काम काम में बढ़ाओ। मेरा तो ये उम्मीदन है इस दौरान युवा नेता विपिन गोरछिया ने का क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। आप को कभी कम नहीं होने देंगे, उनकी पढ़ाई हुई पद्धति पे कभी हाथ नहीं आने देंगे। तो बुजुर्गों युवा साथियों, आपसे पुनः एक बार फिर से अपील करते हैं कि आने वाले 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा मत चाबी के निशान पर सुभाष गोरछिया जी के नाम के सामने वाला बटन दबाकर उनको भारी बहुमत से विजय बनाए कामयाब करें। आप सभी राष्ट्रपति को स्वागत किया।